हनुमान तूने मेरी सीता को देखा? हाँ प्रभु। जिंदा है तो मरी क्यों नहीं? आपके कारण। जेल का चोर को बाहर नहीं आने देता, बैंक का पहरेदार चोर को अंदर नहीं आने देता। जाए प्राण के बाट। आज अपनी माँ के पक्ष में खड़े हो गए हनुमान जी, कब सुध लेंगे उनकी? एक बाण चला दे तो लंका उजाड़ दे। भाई इतना सुना, कुछ कहा मेरी सीता ने? हाँ। पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, पृथ्वी मानो डोलने लगी। मेरे चरण भटक गए हनुमान, सोचने लगे अब करूं क्या? ये बंदर देख रहा है, पूरा खानदान, पूरा रघुकुल हमारा इसका कर्जदार। तो इतने में तो हनुमान जी चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने बोले, प्रभु दुनिया का कोई साधारण व्यक्ति प्रशंसा करे तो एटीट्यूड आ जाता है, जब बार बार उठाने पर भी हनुमान जी नहीं उठे। जैसे हनुमान जी के सिर पर दोनों हाथ रखे, मगन गौरी सा सुट हो गए। अब बताइए ना, बताइए ना, ये हाथ हनुमान के सिर पर नहीं। सुंदरकांड का सबसे सुंदर प्रसंग। नमस्कार साथियों, श्री स्थान भक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं सुंदरकांड के सबसे सुंदर प्रसंग के बारे में। भक्त और भगवान का मिलन जी। जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी लौट करके आए, सुंदरकांड का सबसे सुंदर प्रसंग, लौट करके आए और हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान तूने मेरी सीता को देखा? आंख से आंसू बहने लगे। हाँ प्रभु, कैसी है? बोले कलंक बिना। कहाँ है? लंका में। कलंक बिना है प्रभु। क्या करती है? हर समय स्मरण। जिंदा है? बोले बस कहने कोई। तो मरी क्यों नहीं? आपके कारण, आपके नाम के कारण। एक पहरेदार होता है जेल का, जो कैदी को बाहर नहीं आने देता। एक पहरेदार होता है गार्ड बैंक का, जो चोर को अंदर नहीं आने देता जी। और जेल का चोर को बाहर नहीं आने देता, बैंक का पहरेदार चोर को अंदर नहीं आने देता। प्रभु ऐसे ही आपके राम नाम के दो अक्षर, नाम पाहरु निवस्तिस दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के बाट। इतना कहते कहते हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज अपनी माँ के पक्ष में खड़े हो गए हनुमान जी, मानो ब्लेम करने लगे राम को। प्रभु सब आपका, मेरी माँ के प्राण भी नहीं जाने देता आपका नाम, कब सुध लेंगे उनकी? अपने नाम के आगे से दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ सम मम संकट भारी, ये सब उपाधियों का तो प्रभु बिरद संभालिए। ये सब तो देखिए, ये सब तो देखो प्रभु, आपको दीन दयाल कहते हैं। 10 महीने हो गए माँ को आपसे दूर, आज तक आपने सुध नहीं ली। एक बाण चला दे तो लंका उजाड़ दे आप। इसलिए प्रभु इतनी देरी नहीं, इतनी देरी नहीं। भाई इतना सुना, कुछ कहा मेरी सीता ने? हाँ। कहा है जाकर पहले लक्ष्मण के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। लक्ष्मण जी ने सुना मेरे चरणों में प्रणाम। लक्ष्मण जी तो चरण छूते हैं माँ के, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई शेषनाग की, जिसके फन पर पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी मानो डोलने लगी। भाभी ने मेरे चरणों में प्रणाम कहा है, क्यों? इसलिए कि जब अयोध्या से चले तो हम दोनों राम के चरणों को देखकर चलते थे, मैं और सीता, लक्ष्मण जी और सीता। लेकिन जब अयोध्या, जब पंचवटी में रावण आया, लक्ष्मण भैया ने रेखा खींची कि भाभी चरण भटकाना नहीं, मेरे चरण भटक गए हनुमान तो मैं आज लंका में हूँ, लक्ष्मण के चरण नहीं भटके, वो आज भी राम के साथ है। इसलिए पहले प्रणाम उन चरणों में है जो दुनिया में भटकते नहीं है। ये जो प्रसंग है काफी इमोशनल में, इमोशनल। उसके बाद देखिए ना आप, जब हनुमान जी इतना कह रहे हैं तो हनुमान जी को देख करके राम जी मानो सोचने लगे अब करूं क्या। भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। एक दिन भरत के कंधे पर हाथ रख करके बोले, ये बंदर देख रहा है भरत, ये बंदर देख रहा है, पूरा खानदान, पूरा रघुकुल हमारा इसका कर्जदार है, हम इसका कर्जा नहीं उतार सकते। और यहाँ बोले हनुमान जी से राम, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही,
मैं तेरा कर्जदार हो गया हनुमान, मैं तेरा कर्जा कैसे चुकाऊंगा, जैसे चूड़ामणि देखी। तो इतने में तो हनुमान जी चरण पकड़ लिए, हनुमान जी ने सुंदरकांड का सबसे सुंदर प्रसंग, जब चरण पकड़े हनुमान जी ने राम जी के, राम जी कहते हैं हनुमान मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ और तू मेरी त्राही त्राही कर रहा है। बोले प्रभु दुनिया का कोई साधारण व्यक्ति प्रशंसा करे तो एटीट्यूड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, आप तो जगत के स्वामी हैं, आप प्रशंसा करेंगे तो कहाँ गिरूंगा जाकर। चरण पकड़ लिए, भगवान बार बार उठा रहे हैं, हनुमान जी उठते नहीं, बार बार भगवान उठा रहे हैं, हनुमान जी उठते नहीं। जब बार बार उठाने पर भी हनुमान जी नहीं उठे तो उस समय किसी ने कहा हनुमान जी उठ जाइए, ये कहाँ पड़े हैं। हनुमान जी ने कहा दुनिया में गिरने का कोई स्थान है तो राम के चरण, राम के चरणों में गिरूंगा तो उठाने वाले राम होंगे, दुनिया के चरणों में गिरूंगा तो ठुकराने वाली दुनिया होगी। और जब हनुमान जी के सिर पर श्री राम ने, जब कोई नहीं उठा तो हम कहते हैं अरे भाई नहीं, बस 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 भाई भाई हो गया, बस हो गया। और जैसे ही बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा, तो प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा। जैसे हनुमान जी के सिर पर दोनों हाथ रखे, सुमिरी सुदसा मगन गौरी सा, भगवान शिव सुट हो गए, भवानी देख रही है चेहरा। बताइए ना, बताइए ना, जैसे हनुमान जी के सिर पर दोनों हाथ रखे तो क्या हुआ। शंकर कहते हैं देवी मुझसे क्या पूछ रही हो, एक बार मेरी जटाओं में नजरें घुमा करके दे तो, ये हाथ हनुमान के सिर पर नहीं कैलाश में मेरी जटाओं में घूम रहे। क्या कहें इस प्रसंग के बारे में, इतना अच्छा प्रसंग, इतनी करुणा वेदना, राम जी का हनुमान जी से मिलन, सीता जी का विरह, सीता जी का लक्ष्मण जी के लिए आदर, और जिस तरह से इस प्रसंग को महाराज जी ने बताया वो तो अति उत्तम। सच में ये सुंदरकांड का बहुत ही सुंदर प्रसंग है जिसने रुला दिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंचें। तो चलो साथियों, मिलते हैं फिर किसी ऐसे अच्छे ही वीडियो के साथ, और हम चाहते हैं कि आप अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए। जय सियाराम।